हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी टाइम। दोस्तों, रेलवे ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। आरपीएफ में कांस्टेबल पद पर और दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर पद पर करीब 9,739 पद पर वैकेंसी आई है। यानी इसमें करीब 8,619 पद कांस्टेबल के होंगे और 1,120 पद दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर के होंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वैकेंसी के रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। जैसे कि सिलेबस क्या है, इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी आएगा कि नहीं, कितने नंबर का मैथ होगा, कितने नंबर का जनरल साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर कितने नंबर का होगा, इन सब की जानकारी आपको यहां पे मिल जाएगी। आप क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी हाइट होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़े जिससे आप आराम से ये एग्ज़ाम क्लियर कर सके, किन किन रेलवे जोन में कितनी वैकेंसी है, कैसा क्वेश्चन आएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए जिससे कोई भी जानकारी आप सबसे छूटे नहीं। और दोस्तों, हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे फ्यूचर में हम जो भी वीडियो अपलोड करें उन सबकी नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। दोस्तों, रेलवे में आरपीएफ के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। उसको हम अगर देखें तो उसकी ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 1 जून होगी, जो सुबह 10 बजे से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और इसकी लास्ट डेट 30/6/2018 यानी कि 30 जून 2018 का इसका लास्ट डेट रात के 12 बजे तक होगा। इसका टेंटेटिव डेट देखें तो दोस्तों, ये CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि सितंबर और अक्टूबर महीने में आएगा। और दोस्तों, देख लेते हैं जितने भी कैंडिडेट होते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि इनकी सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पे लेवल 3 में 7 CPC के पे मैट्रिक के हिसाब से 21,700 प्लस एलोरेंस मिलेगा यानी कि करीब आपको 35,000 के करीब आपको सैलरी इसमें मिलेगा। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। आप 10 पास हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं जो कि हम आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसका हम यहाँ पे लिंक दे देंगे। तो दोस्तों, अगर हम एज देख ले तो आपको 1 जुलाई 2018 को इसकी गिनती होगी और उसमें आप 18 से 25 साल की आपका उम्र होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि ST SC OBC से, तो आपको अलग से जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसके साथ अगर हम स्टेज ऑफ एग्ज़ाम देखें तो दोस्तों, तो सबसे पहले ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसे हम CBT बोलते हैं। और उसके बाद जो भी CBT में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसके 10 गुना यानी कि करीब अगर हम देखें तो 9,739 पद है तो करीब 97,390 कैंडिडेट को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अगर वहाँ पे भी अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके 10 गुना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें आप मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपको इसमें फुलफिल होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप उसके लिए पहले देख लें कि आपका जो 10th में मार्कशीट है उसमें जिस हिसाब से नाम दिया है, फादर्स का नाम दिया गया है या डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, उसी के हिसाब से आप उसमें एप्लीकेशन में फॉर्म भरें। और दोस्तों, अगर हम वैकेंसी देख लें अलग अलग जोन के हिसाब से और इसमें जोन का ग्रुप बनाया गया, अगर उसके हिसाब से हम अगर वैकेंसी देखें तो इसके करीब 4,403 पद हैं जो पुरुष के लिए हैं और 4,216 पद हैं वो फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए है। यहाँ पे हम देखें तो करीबन करीब 50% रिजर्व दिया गया है फीमेल्स के लिए। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया कि दोस्तों, क्योंकि हम रेलवे में देखते हैं, पब्लिक प्लेस में देखते हैं, हमारे माता और बहनों के खिलाफ बहुत सारे अत्याचार होते हैं, तो उन सब के लिए ये समझ लो रेलवे का बहुत अच्छा कदम है। और अगर हम देखें तो इसे यहाँ ग्रुप के हिसाब से देखें तो ग्रुप ए में सदर्न रेलवे है, साउथ वेस्टर्न रेलवे है और साउथ सेंट्रल रेलवे है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 656, SC के लिए 82, ST के लिए 34 और OBC के लिए 32 वैकेंसी रिजर्व है और टोटल मिला के इसमें 804 वैकेंसी है। फिर देखिए ग्रुप बी में सेंट्रल रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है और सदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है। इसमें करीब 440 पद है और इसमें भी आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद ग्रुप सी है दोस्तों, ग्रुप सी में करीब अगर देखें तो 1,287 वैकेंसी है। ग्रुप सी में दोस्तों हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसी है। उसके बाद ग्रुप डी में देखें तो ग्रुप डी में 1,046 है। उसके बाद ग्रुप ई में देखें तो ग्रुप ई में 160 वैकेंसी है। ग्रुप एफ में यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो स्पेशल फोर्स है उसमें करीब 600
666 पद है, और ये टोटल मिला के आप देखें तो 4403 पद होते हैं। अब ऐसे ही महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल्स के लिए भी 4216 पद होते हैं। ये दोस्तों सारे कांस्टेबल के वैकेंसी दिखाया गया है। बाद में हम SI यानी कि सब इंस्पेक्टर पद पर कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से जोनल से है, कौन कौन से ग्रुप में आएगा, वो सब भी हम देखेंगे। और इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो देखें तो आप 10th पास होना चाहिए और आपकी एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए, और उसके साथ साथ आप इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट देखे तो मतलब आपके फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा रहेगा उसके बारे में देखे तो अंडर रिजर्व और OBC जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो चेस्ट है यानी कि जो छाती है वो मिनिमम 80 सेंटीमीटर यानी कि 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसका अगर हम एक्सपांड करते हैं तो 85 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और साथ साथ अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो अगर आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है मेल्स के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए, और आपकी छाती 76.2 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और आपका एक्सपान 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप गढ़वालीस, गोरखास, मराठास, डोगरास, कुमाऊँ और अदर कैटेगरी से जो स्पेसिफाई बाई गवर्नमेंट है उसमें बिलोंग करते हैं तो आपको यानी कि करीब अगर आप पर्वतीय विस्तार से बिलोंग करते हैं तो आपको आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल्स की हाइट 155, और छाती जिस हिसाब से अनरिजर्व और OBC की है उसी के हिसाब से 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद अगर एज रिलैक्सेशन तो देखें तो अगर SC और ST कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर 18 से 25 साल है तो जो भी SC और ST से बिलोंग करते हैं उनको 30 साल तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर OBC नॉन क्रिमिनल लेवल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। फीस तो फीस हम देखेंगे कि इसके पहले भी जो ग्रुप सी और डी में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी 500 रुपया फीस रखा गया था और इसमें भी 500 रुपया फीस रखा जाएगा। और जो भी SC ST या एक्स सर्विसमैन फीमेल है, माइनॉरिटीज है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, उन सब के लिए 250 रुपया फीस रखा गया है। यहाँ पर नोट कीजिएगा कि 500 रुपया अगर आप फीस भरते हैं तो अगर आप CBT एग्ज़ाम देते हैं तो आपका 400 रुपया रिफंड हो जाएगा, और अगर 250 रुपया अगर आप फी पे करते हैं तो आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। और मोड ऑफ पेमेंट देखें तो आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करना होगा डेबिट या क्रेडिट कार्ड के साथ, अगर ऑफलाइन करते हैं तो आपको SBI का चालान निकाल के आपको SBI के ब्रांच में जमा करना होता है। और एंटायर जो प्रोसेस है वो हमने आपको ऊपर ही बता दिया है कि सबसे पहले CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और कई सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो अलग अलग ग्रुप्स में फॉर्म भरते हैं जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होती है, तो वो भी सोचते हैं कि अगर वो दूसरे जोन में भर रहे हैं तो अगर उनका समझ लो अगर वो तमिल तेलुगु वाले हैं उससे मतलब बिलोंग करते हैं तो वो सोच रहे हैं कि अगर हम ईस्टर्न यानी कि उत्तरी भाग में अगर हम भरते हैं तो वहाँ हिंदी ज़्यादा चलती है तो किस हिसाब से क्या होगा। लेकिन दोस्तों उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप इसमें से 15 लैंग्वेज दिया गया है और आप इसमें 15 लैंग्वेज दिया गया है आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, बंगाली, ओडिया, असमीस, मणिपुरी और पंजाबी। आप इन 15 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपना टेस्ट पेपर के लिए, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लैंग्वेज प्रीफर कर सकते हैं। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड होगा एग्जामिनेशन का वो मैट्रिक लेवल यानी कि 10th लेवल तक का उसका सिलेबस लेवल होगा, और टोटल टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा, उसमें 120 क्वेश्चन यानी कि 120 क्वेश्चन होगा। और अगर हम सिलेबस देखें तो जनरल अवेयरनेस के लिए करीब 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको जो करंट में जनरल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट है, जनरल साइंस है, कल्चरल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री और आर्ट्स, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद एरिथमेटिक जो 35 नंबर का होगा, इसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम, होल नंबर, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल एरिथमेटिक ऑपरेशन, डिस्काउंट, प्रॉफिट और लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ये सब इसमें आएगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, जो भी वो भी 35 मार्क्स का होगा, इसमें आप डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, सॉल्विंग, एनालिसिस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट और नंबर सीरीज जैसे सवाल आएंगे। आप नोट कीजिएगा कि ये जो 3 टॉपिक दिया गया है ये सिलेबस है, और सिलेबस की तरह से आप तैयारी करते हैं तो आप आराम से पास कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखें तो आपको करीब कांस्टेबल जो मेल के लिए है उनके लिए अगर 1600 मीटर है वो 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना होगा, और लॉन्ग जंप है 14 फीट और हाई जंप है 4 फीट। यहाँ नोट कीजिएगा कि कांस्टेबल फीमेल के लिए भी इसमें 800 मीटर का रनिंग है और उसमें 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करना होगा, जिसमें
लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप 3 फीट है। यहाँ पे देखिए कि कांस्टेबल मेल के लिए टाइम 1600 मीटर का बहुत कम है, मतलब जो भी चाहते हैं कि वो कांस्टेबल के पद पे लग जाए तो उनको पहले से ही तैयारी करना पड़ेगा ग्राउंड के लिए, और उसके साथ साथ ही जो CBT एग्ज़ाम है उसका भी। और अगर देखें तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो सबमिशन है वो आपको इस हिसाब से भरना होगा कि जैसे कि आपका नाम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर्स नेम, फिर उसके बाद अगर आधार है तो आधार नंबर डालना होगा जो कि ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेलेक्ट करना होगा, कैटेगरी एजुकेशन बोर्ड, आपका 10th मैट्रिक्स, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि जो ग्रुप सी और डी में भी यही हुआ था कि अगर आपका फोटोग्राफ ऐसे नहीं है, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो सही से नहीं है, या फिर वाइट और लाइट कलर बैकग्राउंड नहीं है, तो आपका वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, तो आप इस बात का खास ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके एग्ज़ाम जो हम बता रहे थे कि सितंबर और अक्टूबर महीने, और इसके बाद हम देखें तो इसका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर या अक्टूबर महीने में होगा, जो कि आपको जब उसके आपकी मतलब आपका नंबर जब आएगा तो उसके 10 दिन पहले ही आपको वेबसाइट से मैसेज आ जाएगा, या फिर वेबसाइट से आपको CBT PAT और PMT या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई करें तो आप www.indianrailways.gov.in पर जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और वैसे ही हम देखें तो जो SI का पद है जो 1120 वैकेंसी है उसमें भी सेम, जैसे कि हम कॉन्स्टेबल प्रोसेस देखते आए हैं उसी तरह सेम प्रोसेस होगा, खाली इसमें अगर प्रोटेक्शन फोर्स जो है लेवल सिक्स का आपको ग्रेड पे होगा, जिसमें 35,400 आपको और प्लस एलोरेंस मिलेगी, यानी कि करीब 50,000 के प्लस आपकी सैलरी जाएगी। और इसका भी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो वो सेम जैसे कॉन्स्टेबल का 1 तारीख से शुरू हो रहा है उसी की तरह से इसमें भी शुरू होगा, और इसका सिलेबस भी ऐसे देखा जाए तो सेम ही होगा। अगर एज देखें तो अगर कॉन्स्टेबल में 18 से 25 साल था तो इसमें 20 से 25 साल है, और जो एज रिलैक्सेशन कॉन्स्टेबल में था वही इसमें भी अप्लाई होता है। और इसमें आप खास कर देखें तो कॉन्स्टेबल में आप अगर 10th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको SI यानी कि सब इंस्पेक्टर पद के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, आप रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ऐसा RRB के द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है। और इसके अगर हम वैकेंसी देख लें तो अलग अलग जोन के हिसाब से, तो ग्रुप ए में करीब 126 वैकेंसी है, ग्रुप बी में 144 वैकेंसी है, ग्रुप सी में 287 वैकेंसी है, ग्रुप डी में 173 यानी कि 173 वैकेंसी है, ग्रुप ई में 30 वैकेंसी है, और ग्रुप एफ में 59 यानी कि 59 वैकेंसी है। टोटल मिलाकर कुल करीब 819 वैकेंसी जो कि मेल्स के लिए है, और जो फीमेल्स के लिए रिजर्व वैकेंसी है वो करीब 301 है, जिसमें ग्रुप ए में 52, ग्रुप बी में 56, ग्रुप सी में 112, ग्रुप डी में 69 यानी कि 69, ग्रुप ई में 12, और स्पेशल फोर्स में यानी कि ग्रुप एफ में कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। और मोटे तौर पे देख लें तो हम ऊपर जैसे बता चुके हैं कि 20 से 25 साल मिनिमम एज होना चाहिए। और इसमें अगर आप अनरिजर्व और OBC बिलोंग करते हैं तो इसमें कॉन्स्टेबल की तरह इसमें भी सेम हाइट है और सेम सब कुछ है। और फिर देखें तो एग्जामिनेशन फीस है OBC सेम है, अगर आप कॉन्स्टेबल और SI दोनों के लिए भरना चाहते हैं तो आपको दोनों अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि करीब आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको करीब 1000 रुपये का आपका इसका फीस होगा, जिसमें आपको 800 रुपये वापस जब आप एग्ज़ाम देने CBT एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो वापस आएगा आ जाएगा। और आप इसका जो मोड ऑफ पेमेंट है वो आप ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर चालान पोस्ट ऑफिस थ्रू भी भर सकते हैं। और बाकी वैसे देखा जाए तो सेम इसका सिलेबस भी होगा, और इसमें भी सेम जैसे सबसे पहले CBT होगा, फिर PET होगा, फिर PMT होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें भी आपको सेम ड्यूरेशन मिलेगा, यानी कि सेम टाइम मिलेगा जो कि 90 मिनट में आपके, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करना होगा। अगर जनरल अवेयरनेस के 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, एरिथमेटिक्स का 35, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 35 ही होगा। और इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा, इसका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो कुछ अलग है कॉन्स्टेबल से। इसमें करीब आपको 1600 मीटर का रनिंग 6.5 मिनट मिलेगा, जो कि कॉन्स्टेबल में आपको 5 मिनट और 45 सेकेंड मिल रहा था, और फीमेल्स के लिए 4 मिनट का टाइम 800 मीटर मिलेगा। इसमें जो लॉन्ग जंप है वो 12 फीट का होगा, जो कांस्टेबल में 14 फीट था, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच होगा, जो कि कांस्टेबल में 4 फुट था। बस यही इसमें डिफरेंट है, बाकी तो वैसे कोई डिफरेंट नहीं है। जो भी आपको नेक्स्ट कुछ आएगा तो हम आप उसके बारे में आपको
बताएंगे। तो दोस्तों आप सबको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ में लाइक शेयर करना मत भूलिए जिससे दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। दोस्तों इसके बाद हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें उसका वीडियो भी बना दूंगा, और साथ में फ़ोटो कैसा रहेगा, सिग्नेचर अपलोड करना है कि नहीं करना है, ये सब की जानकारी आपको दिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लिंक है दोस्तों वो हम आपको डिस्क्रिप्टिव जो बॉक्स है उसमें हम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दूंगा जिससे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।